इस मुल्क में मौजूदा नायब और सिलेक्टेड नौकरान हैं, इन्होंने जिस तरह महंगाई, बल्कि महंगाई तो बहुत छोटा लफ्ज है, बेबरा महंगाई जिसका रखी है, और आए रोज बजट पेश कर रहे हैं। हर हफ्ते इनका बजट पेश होता है अवाम पर, ये आए रोज बम बरसा रहे हैं महंगाई के, तो उसके खिलाफ ये हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई है। सबसे पहले हम पीपल्स पार्टी के तमाम दोस्त सरदार अल्लाह शानी साहब, हमारे जिला सदर मलिक रफीक अमीन साहब, हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, हम सब दोस्त प्रेस क्लब के दोस्तों का, प्रेस क्लब के सदर जनाब एबी उजैद साहब का, आजम रोज साहब, माजिद खानजादा साहब, सलीउल्लाह साहब, जमशेद तारी साहब और सही साहब सबका, नौमान भुट्टा साहब का, अहमद सईद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि शायद टाइम में आपने मेहरबानी की और हमें टाइम दिया। आज सानिया का साथ के मुतालिक हम आपको बताना चाहते हैं कि बेनजी भुट्टो साहबा 17 अक्टूबर 2007 को जब नवाज शरीफ और डिक्टेटर मुशर्रफ के झूठे बेबुनियाद मुकदमात का सामना करने के बाद आसिफ अली गद्दारी को 11 साल पाबंद सलासर रखा गया, यूसुफ गिलानी साहब को भी 2.5 साल नाजायज झूठे मुकदमात में जेल में डाला गया और बेनजी साहबा को मुल्क बदर किया गया, तो वो 17 अक्टूबर 2007 को वापस जब वतन आई कराची में उनका तारीखी इस्तकबाल हुआ, तो वहाँ पे उन पर बम और गोलियां बरसाई गई, उनके जुलूस पर उनको वहाँ रास्ते से हटाने की कोशिश की गई, उनको शहीद करने की कोशिश की गई, तो एक निहत्ती बहादुर खातून जिसने इस मुल्क की आवाम के साथ कमिटमेंट कर रखी थी कि मैं हर सूरत वापस आऊंगी, उसको एक डिक्टेटर ने रोका कि आपको आपकी जान को खतरा है, आप पाकिस्तान ना आए, उसने एक डिक्टेटर के हुक्म को पांव में रौंदते हुए इस मुल्क के साथ डिक्टेटरशिप ने अपने जोरे बाजू को आजमाने का शौक पूरा किया, तो बम बसाए गए कारसाज में कराची में और उसमें 170 से ज़्यादा हमारे कारकुनान जो जिम्मेदारान वो शहीद हुए। आज हम उनकी शहादत पे उनकी रूहों को खराज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं, और जिन लोगों ने इस मुल्क की जमहूरियत और इस मुल्क की हकीकी अवामी कुव्वत पर हमला किया, हम उसकी मजम्मत करने आए हैं, और हम ये कहने आए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे कुर्बानियां भी देना पड़े, जान की बाजी उन्होंने दी, हमारे लीडर कायद अलाउद्दीन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी इस मुल्क के लिए जान कुर्बान की, असूलों पर सौदेबाजी नहीं की, हमारी शहीद बीबी शेर दिल बेटी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेनजी भुट्टो साहिबा ने भी इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की आवाम के साथ, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए अपनी जान जान आफरीन के सपोर्ट की। हमारे शहीद कायद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे मीर शाहनवाज भुट्टो, मीर मुर्सा भुट्टो ने भी इस मुल्क के लिए अपनी जान के नजराने पेश किए, इस जमहूरियत के लिए। हमारी मादर जमहूरियत मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा ने भी अपनी कमिटमेंट पूरी करते हुए भुट्टो साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हुए, तो जितने जुल्म सितम बर्दाश्त किए, हम सब शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, आपका टाइम भी कीमती है, मैं इसको मुख्तर करते हुए आज मुल्क में
अमली तौर पर बजाहे तो जमहूरियत का बोलबाला किया जा रहा है, लेकिन अमली तौर पर आज भी मुल्क में डिक्टेटरशिप कायम है, अमरियत कायम है। आज भी मुल्क के अवाम, मुल्क के किसान, मजदूर, तालिब इल्म, मुलाजमीन हर तबका परेशान है, और परेशान बेपनाह महंगाई की वजह से है, लाकानूनियत की वजह से है, बेरोजगारी की वजह से है। क्योंकि इन हुक्मरानों ने जब अपनी सीवी पेश की थी अवाम के सामने, तो इन्होंने कहा था कि हम 60 लीटर पेट्रोल देंगे, बाहर से लोग नौकरियां लेने के लिए पाकिस्तान आएंगे, और 1 करोड़ घर देंगे, हम तब्दील ले आएंगे, हम करप्शन खत्म करेंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे, हम वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाएंगे। तो उस सीढ़ी की वजह से इस मुल्क के भोले भाले अवाम ने, सादा सा अवाम ने उनको वोट देने की कोशिश की। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि मुख्तलिफ जमातों का इन्होंने मैंडेट चोरी किया, और मैंडेट चोरी करके वो सीनी को पूरा करने के लिए, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, इस बेवकूफ़ को, इस नाहिल को मसनद इख्तलाल सौंप दिया। और आज आपके सामने मुल्क के जो हालात हैं, इन्होंने घर देने की बजाय घर छीन लिए, घर गिरा दिए, इन्होंने रोजगार देने की बजाय लोगों को बेरोजगार कर दिया। आपने देखा कि 1993 में जब बेनजी साहिबा की गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने लोगों को रोजगार दिया था। फिर नवाज शरीफ साहब ने डिक्टेटर्स के कहने पे लोगों को बेरोजगार किया। फिर 2008 में जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बरसरे इख्तियार आती है, आसिफ अली जरदारी साहब और यूसुफ गिलानी साहब, तो उन्होंने उन लोगों को 13 साल के बाद बहाल किया, उनको बकाया जात दिए, मरा दिए। फिर आज 12-13 साल और हो गए हैं, वो लोग अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, अपने घर के चूल्हे जला रहे हैं, अपने बच्चों की तालीम दे रहे हैं बच्चों को। आज इस हुकूमत ने फिर उनको 16,500 खानदानों को बेरोजगार कर दिया। इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, और पीपल्स पार्टी वादा करती है कि इंशाल्लाह आने वाला दौर पीपल्स पार्टी का है, और हम 16,500 निकाले गए मुलाजमीन को फिर से बहाल करेंगे। पीपल्स पार्टी इनको बिल्कुल फिर से रोजगार देगी, ना सिर्फ इनको रोजगार देगी, बल्कि जितने मुल्क के हमारे आला तालीम याफ्ता नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको भी हम नौकरियां देंगे इंशाल्लाह। बेपनाह महंगाई है, उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। लाकानूनियत है, अकरबा परवरी है, अपने लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है। महकमा सेहत में जो उनके क्यानी साहब थे साबिक वफाकी वजीर, उन्होंने अरबों पैकेज मुकाल की। हम इन हुक्मरानों से पूछते हैं कि तुम तो दूसरों को चोर डाकू पेरे कहते हो, तो आपने उस चोर का क्या किया जिसने अरबों रुपए के महकमा सेहत में अदवियात की मद में घपले किए, उसका क्या बना? हम इनसे मुतालबा करते हैं, इनसे पूछते हैं कि शमर जैदी साहब को आप FBR का चेयरमैन बना के बाहर से लाए थे, उसका क्या बना? वो भी लूट मार करके चले गए। इस तरह तानिया इदरूस थी, वो एक खातून को इन्होंने बनाया था मुशीर, वो भी लूट मार करके चले गई, फिर उसको बुलाया गया है। शहजाद अकबर साहब 21 तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, इसका क्या काम है सिवाय मुखालिफीन के उनके खिलाफ झूठे मुकदमा बनाने के, इसका तो और कोई काम नहीं है। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि ये तो इंटरनेशनल ठगू का और लूट मार करने वाले डाकू का, चोरों का एक गिरोह है, जो आते हैं लूट मार करते हैं, डाका डालते हैं, उसके बाद फिर मुल्क से चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं सिलेक्टर से मुतालबा करता हूँ, जिन्होंने इनको सिलेक्ट करके जो ले आए हैं, उनसे मुतालबा करता हूँ कि खुदा के वास्ते इस मुल्क के अवाम पे तर्स खाओ, इस मुल्क की अल्लाह राशि अवाम पर, सादा अवाम पर तर्स खाओ, इस मुल्क के ज़रात पर, ज़रात पेशा किसानों पर तर्स खाओ, मजदूर पेशा मजदूर पर तर्स खाओ, ताजरों पर तर्स खाओ, कारोबारी लोगों पर तर्स खाओ, मुलाजमीन पर रहम करो, इनसे हमारी जान छुड़ाओ। पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहती कि ये चले जाएं,
इनको हम सियासी शहीद बनाए, लेकिन अब वक्त का तकाजा यह है, इन्होंने महंगाई को इस लहर पे खड़ा कर दिया है कि अब कोई गरीब आदमी तो बहुत दूर की बात है, अब जो मिडिल मैन है, जो दरमियाना तबका है, वो भी जिंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल है। हर आए रोज महंगाई होती है, ना सिर्फ पेट्रोल, आप देखें इस जस्सी ढोले का काम ये है कि वो ओगरा सबरी भेजता है 5 रुपए इजाफा करने की पेट्रोल की कीमत में, तो जस्सी ढोला उसको 10 रुपए बढ़ा देता है। अब ओगरा 7 रुपए की सबरी भेजता है डीजल की कीमतों में इजाफे की, तो ये जस्सी ढोला सुबह उठता है तो ये 12 रुपए लीटर 12.5 रुपए लीटर में इजाफा कर देता है, उसकी सबरी 10 रुपए कर देता है। तो आप इनके किस किस कारनामों पे रोएं। इसी तरह आप घी देख लें, चीनी देख लें, दालें देख लें, शुगर मिल्स वाले पाकिस्तान के शुगर माफिया वाले खुद कह रहे हैं कि हम जो चीनी देंगे टैक्सेस लगा के सब कुछ करके फिर भी ये 83 रुपीज यानी 83 रुपए की बेच सकते हैं। इन्होंने 123 रुपए किलो के हिसाब से बाहर से मंगवाई है और वो आवाम को दे रहे हैं। अब इनकी कौन कौन सी करप्शन का रोना है। हज देख लें 10 लाख पे पहुंच गए हैं, जब करप्ट लोगों की, चोरों की, डाकू की, लुटेरों की हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी दौर में 1.5 लाख से 1,80,000 रुपए थे, नवाज शरीफ दौर में 2.5 लाख का हज था, आज 8 से 10 लाख पे हज चला गया है, 4.5 से 5 लाख पे उमरा चला गया है। अब कौन सी करप्शन का आप जिक्र करें। महकमे में चले जाएं, कोई काम बगैर रिश्वत के आप करवा के दिखाएं, बल्कि कहते हैं ना कि अगर करप्शन में इजाफा करना हो तो फिर थानेदार आता है और सख्ती कर देता है, तो ये सख्ती करने के लिए आए ताकि करप्शन में इजाफा करें, लूटमार में इजाफा करें, आवाम की जेबें खाली करें। ये कहता था कि मैं सबको रुलाऊंगा, आज इसने सिर्फ एक वादा सच साबित किया है कि आज सारे लोग रो रहे हैं, सारों के इसने रुला दिया है। तो हम मुतालबा करते हैं सिलेक्टर से कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पर दर खाएं। इसने मुल्क के इदारों को भी टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश की है, इसने मुल्क की इंसानियत को भी टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश की है, इसने मुल्क के तमाम जो मुल्क के एक्टिव इदारे हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो टाइगर फोर्स बना के लूटमार करके ये जाना चाहता है कि इसको पाकिस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी, ये यहाँ से भाग जाएगा क्योंकि इसके बच्चे भी बाहर हैं। ये तो कहता था कि मैं इस मुल्क में रहूँगा, मेरे बच्चे भी यहाँ रहेंगे, आपके सामने हैं इसके बच्चे, लंदन अमेरिका में पढ़ रहे हैं वहाँ बैठे हैं, इसका तो कोई भी यहाँ नहीं है, जो अपने 3 घर नहीं चला सका वो इस मुल्क को क्या चलाएगा। इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मीशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, लाकानूनियत है, बेरारवी है, अकरबा परवरी है। तो मुतालबा करते हैं कि इनको बिलफिल फौर फारे किया जाए इस मुल्क के बका के लिए, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, इदारों की मजबूती के लिए, मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इनको फारे किया जाए ताकि मुल्क सुख का सांस ले सके। हम पीपल्स पार्टी ऐलान करती है कि इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कल ऐलान किया है, हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद रैलियाँ निकालेंगे, उसके बाद फिर हर चौक पर धरने देंगे इंशाल्लाह। जब तक इनसे जान नहीं छूट जाती हम आप चैन से नहीं बैठेंगे, हम आवाम के हकूक की जंग लड़ेंगे, हम इस मुल्क के किसानों के साथ खड़े हैं, हम इस मुल्क के मजदूरों के साथ खड़े हैं, हम इस मुल्क के ताजरों के साथ खड़े हैं, हम इस मुल्क के गरीब तालिब इल्मों के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनसे निजात दिलाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हकीकी अवामी ताकत बनकर मुल्क में आएगी, इक़्तदार में आएगी और आवाम के मसाइल हल करेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबान।